नहीं नहीं कौन से होता है नहीं रुक मुझे दे नहीं बनाना है ये बन चुका है भैया बन रहा देखो बन रहा बोलो बोलो बन रहा देखेंगे बन रहा है बन रहा है मत बोलना बन रहा है बन रहा ना नहीं कुछ बोल लेंगे बन रहा अरे पता मेरे कंपनी ने खोला है सुबह की गर्ल मत जिए ये दिखा सकते मैं बर्थडे कर दूँ हाँ ये बुखार को देखो कितना अचार रख के खा रही है मतलब कितना अचार रखी हुई है कैसे आप लोग आई होप आप लोग अच्छे हो तो आज के इस ब्लॉग में आ चुके हैं एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है आप देख सकते हैं दिल दोस्ती दुनिया मतलब D3 आप बोल सकते हैं और ये रेस्टोरेंट का लोकेशन जो है वो तो राजेंद्र चौक से अप्रोक्स ये सुभाष चौक से अप्रोक्स 100 मीटर और मलय चौक से अप्रोक्स 300 मीटर और दोनों के बीच में ये रेस्टो पड़ता है और ये रेस्टो को हम अभी रिव्यू करेंगे और अच्छे से घूमने वाले रेस्टो के अंदर और हमारे साथ जो है वो मनीष भैया है जो कि अभी ऑनर बोल सकते हैं या अभी जस्ट लाइक यहाँ के इंचार्ज में है जो ऑनर ही है सॉरी ऑनर है जो भी मेरे साथ एक्सप्लोर करेंगे इस पूरे रेस्टोरेंट को और हम इनके साथ मिलके कुछ बातें करेंगे क्या क्या चीज़ इसमें है उपलब्ध और क्या क्या चीज़ मिलने वाली लोगों को और क्या चीज़ नहीं मिलने वाली मतलब क्या क्या चीज़ मतलब बहुत अच्छी चीज़ मतलब डेकोरेशन आप देख लो सबसे पहले ये डेकोरेशन इतना मतलब इतना अच्छा सोच कहाँ से लाया आपने मतलब इतना अच्छा डेकोरेशन तो कहीं है ही नहीं ये अपने हाजीपुर में अच्छा चैलेंज ये चैलेंज तो अक्सर लड़कियों की करती है अच्छा मतलब आपको लगे तो इसका कुछ नहीं हो सकता इस जगह का कुछ नहीं हो सकता ये जगह का कुछ नहीं हो सकता अच्छा इस जगह के लिए चैलेंज था कि इस जगह का कुछ नहीं हो सकता है इसलिए मतलब ऐसा लोगों का कहना था ना इस जगह के लिए बोला जाता मतलब पहले ऐसा मतलब देखिए ऐसा जगह था जो अभी जगह देखेंगे हम वो पहले कुछ ऐसा जगह था मतलब एक मिनट ऐसा कुछ जगह था पहले मतलब ऐसा कुछ दिख रहा था इस जगह और ये जगह मैं भी देखा था क्योंकि ये यहाँ पे लॉज हुआ करते थे और बच्चे लोग पढ़ते थे क्योंकि ये सीढ़ी अभी वो उसका एक प्रूफ है कि ये सीढ़ी ना बच्चे मतलब लॉज है और यहाँ पे बच्चे मतलब पढ़ने जाते थे ये सीढ़ी एक प्रूफ मतलब मुझे लगता है छोड़ दिया गया है मतलब एकदम नर्क वाला जगह था इसको ऐसा बोला जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगल उंगल था ऊपर लॉज था लॉज में लोग पढ़ते थे वही लॉज के मतलब इस साइड में इन्वायरमेंट बहुत गंदा था मतलब पहले का फोटो तो मैं दिखाया थी तो इनके लिए एक चैलेंज था कि मतलब वो उस चीज़ को कैसे अच्छे से डेकोरेट करें यही ना तो चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं यही दिल दोस्ती दुनिया को ये रेस्टोरेंट का नाम है दिल दोस्ती दुनिया मतलब इतना मस्त नाम भी रखा गया इन्होंने अब नाम कहाँ से रखा आपने इस बात को मतलब कहाँ से आपके मन में आई दिल दोस्ती हम तीन पार्टनर हैं अच्छा इसमें तीन पार्टनर है तो हम तीनों पार्टनर का मतलब एक कॉम्बिनेशन जब बना तो हम लोग ये नाम पे हम लोग को देख गया कि इससे पहले ये ब्रदर्स कैफे के नाम पे था अच्छा मतलब नाम ब्रदर्स कैफे रखा मतलब दिल दोस्ती दुनिया तीनों पार्टनर का एक मतलब इंडिकेशन हो गया कि एक तुम दिल रखना है दोस्ती एक दुनिया इस टाइप से सोच के मतलब तीनों का बन के एक जो हमारा ये एम्पायर है वो एम्पायर खड़ा हुआ तो चलिए अंदर चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर मतलब बहुत अच्छा वाला इन्वायरमेंट और सेल्फी पॉइंट बहुत ही अच्छा वाला दिखने को मिलेगा यहाँ पे और सबसे मतलब दो तीन गेट आपको क्रॉस करने पड़ेंगे इस जगह के लिए फिर यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट मतलब कहीं भी आप सेल्फी ले सकते हैं ऊपर देखिए अक्सर ये वो कौन से पर्व में तीज में हाँ तीज में ये सब मतलब ये डलिया यूज होता है ना वो वाला डलिया का यूज करके डेकोरेशन कर दिया गया मतलब इतना अच्छा डेकोरेशन लग रहा है ना कि पूछो ही मत वाओ वाओ नहीं मतलब ये सब दिमाग कहाँ से है मतलब हर चीज एकदम गांव की चीज को ले लेके रिलेट करने का दिन ही खरीदा गया है अच्छा तीज के दिन ही खरीदा गया है रास्ते में जा रहा है तो ये चीज दिखा दो तो माइंड में आया कि हाँ इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो वही चीज अच्छा इसलिए मतलब तीज के दिन ही खरीदा ऐसे भी तो मिलता भी नहीं है मार्केट में ना तीज के दिन ही मिला होगा तो ये इसको आपने बाई कर लिया और ये मतलब इसका गेट इन्वायरमेंट और ये जो थोड़ा सा लोकेशन और यहाँ देखो मतलब कितना अच्छा लोकेशन ये पहाड़ टाइप का डिजाइन और इधर जंगल मतलब इतना अच्छा लोकेशन दिया हुआ है ना मतलब बहुत ही अच्छा इंटरफेस है सेल्फी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा इंटरफेस है तो चलिए अब इस रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री करते हैं पूरे मतलब मिडिल सेंटर में एंट्री करते हैं हम भुक्खड़ कौन है मुझे मतलब वीडियो आधा पे पोस्ट किया गया कौन भुक्कर कौन है भूख किसको लगा आपको हमें वीडियो आधा पे रुकवा के बोली पहले खा रहे थे कौन खा रहा है हम तो आराम से बैठे हुए खा कौन रहे आप मतलब ये पूरा वीडियो भी नहीं बनाया बीच में खाने के लिए डिस्टर्ब कर रहे हैं नहीं बनाना है ये बन चुका है भैया ये नूडल्स खाने वाला पता नहीं कहाँ से सीख ले रही है
चिकन मैटर नहीं करता, देखो चिकन मैटर नहीं करता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि देखो नूडल्स मतलब खाना है तो नूडल्स कौन खाता है? आपको आदत है क्या? प्रोटीन का चीज़ देखो, जैसे वो कैप्सिकम पहले ही छोड़ के खा रही है, कैरेट पहले ही छोड़ दिया, ऑनियन मतलब जो चीज़ प्रोटीन वाला नहीं खा रही, मतलब खाली उसमें का क्या बोले मतलब प्लास्टिक खा रही है। हाँ दे दे रहे जरूरत नहीं है। किसके लिए खा भाई? नूडल्स मतलब खाना के साथ कौन खाता है भाई? नूडल्स तो कहाँ है ऑर्डर किए, हमको क्या पता था? मैं मुझे नूडल्स निकलता है किसे मिलने दी है? अरे पता मेरे कंपनी ने खोला है एक बात बता मुझे, दुनिया में दिखाना चाहते थे मेरा केक कटा है, मतलब मेरा बर्थडे था, हम बर्थडे कर ले, दिखाना चाहते थे फेस मिलने तो तुमसे फेस नहीं मिलता ना, थोड़ा अच्छा से कम्युनिकेशन नहीं होता। बन रहा है सारा, बन रहा है तो मैं छूना सारा सारा बन रहा है, दिखा है दिखा है। हेलो कैसे हो आप? तुमको क्या पता सारा बन रहा है? तुम क्या जानो इस कदम की जानो? हम एक बात मुझे बताओ ना, एक बात वो मतलब केक क्यों नहीं हटाया अभी तक? ये दिखाया था कि मैं बर्थडे करता हूँ। लाओ अब इसको सब हम फोन में रखेंगे। लो ये भी देते रिश्वत में कि वीडियो नहीं बन रहा है। और बताओ ना एग्जाम कैसे चल रहा बबुआ? नहीं पता है ठीक है, ये तू लोग नहीं पता, लेकिन कुछ अच्छी बात बताओ ना जो मैं लाइफ को थोड़ा संभाल दे। वीडियो बनाना छोड़ देना, बस उसको नहीं छोड़े तो वीडियो में आना पसंद क्यों नहीं तुमको? हम पॉपुलर नहीं होना चाहते। अगर आप पॉपुलर नहीं होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर रील्स क्यों डालते हो? हम रील्स कहाँ डालते हैं, हम ना फेस भी नहीं लगाते हैं। आप फेस नहीं लगाते हो वो डालते हो जरूर? नहीं डालते। क्यों? बात करने में दिक्कत हो रहा है पता है भैया? पाँच मिनट के लिए गाना बंद कर दीजिए ना। नहीं भैया पाँच मिनट, पाँच मिनट अच्छा पूरा कम अच्छा, पाँच मिनट के लिए बंद, पूरा शांति शांति। अब सुनेंगे मेरे में से नूडल्स खाओगे? हाँ मेरा पेट आपके जैसा भरा नहीं। पेट बड़ा रहा था, निकाल दिया पेट को। वो आपकी बीबी की जगह आप ही प्रेग्नेंट हो। मैं अपनी बीबी की जगह मैं प्रेग्नेंट होऊंगा ठीक है? इट्स ओके ऑलराइट, यू आर अ गुड गर्ल एंड गुड सजेशन, थैंक यू फॉर मी। टेंशन मत लियो, कोई बड़ी बात नहीं है, दर्द उसका मतलब मैं ही झेल लूंगा। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत है? और कोई दिक्कत बोल तो बताना। अच्छा खा लिए आप? हाँ जीनियस गर्ल। सभी पूछो तो आज बाल खोल के क्यों आई है? बर्थडे है ना, बर्थडे गर्ल। आप क्यों खोल गए ये बताओ? तेल चिपका रखी, चोटी कर रही थी, पूरा लग रहा था कि पिंपड़िया, इसलिए हम कर लिए। अब हम बाल खोल कर तो मम्मी ने। अच्छा आपने आपको सुंदर दिखाने के लिए कौन सी क्रीम लगाई थी? तुम तो लगाई है, मतलब तुम इसके बारे में जानती हो? कौन क्रीम लगाया है? मतलब फेस देखने पे पता चलता है ना ग्लो कर रहा है। कौन सा क्रीम लगाई हो वैसे? कौन सा क्रीम लगाई? बता देंगे तो क्या करेगा, खरीद देगा तुम पक्का? वही तो हम बोलने वाले थे कि एक खरीद के दे देंगे। बोलो बोलो पाउडर लगाई है सभी, अभी रोड वाला
वो तो फ्री में मिलता है, पैसा देके कम से लगाइए। हाँ लगाइए आप, अभी अभी हम नहीं लगाए, घर से लगा के थे। हाँ चाहिए क्या? ऐसे क्या चाहिए? मतलब पैसा से कंपेयर कर रहे हो क्या हमसे? नहीं। तो क्या नाम? भाई हाँ संभालो भाई, मुझे क्यों हो? नहीं ऐसे क्रीम कम लगाया करो भैया, लाइफ इज गुड, जो होता है सब सही है, क्रीम लगाने से गुड ही हो जाओगी। तो क्या नहीं लग रहा है गुड़े? और उसका मतलब क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते भैया बोलते हैं? बहुत ट्रिक है गुड़ा होने का, बहुत ट्रिक है गुड़ा होने का। फॉर एग्जाम्पल मुझे बता दो, मैं भी गुड़ा होना चाहता हूँ। हाँ बोलो। अरे मेरे को पेट भर गया। पेट नहीं भर गया, पैसा सोच रही हूँ कैसे बचा ले। हमको नहीं खाना ना तुम्हारा पैसे का। वाह रे दुनिया, मैं पानी अपने लिए भरा था या आपके लिए भरा था? सबसे गिलास इतना रखा हुआ था, मतलब उतना पानी पियोगे नहीं, पानी मतलब गजब। इतना भी सेवा नहीं करते हम आपके लिए? बुलाओ अपने हस्बैंड को, ठीक है, या फिर एक्स बॉयफ्रेंड को जो सेवा करे। नहीं एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड को बुलाओ। हाँ सुन ले भाई, तुम्हारा भी कर देते हैं, नहीं तुमको भी हम बोले कर देंगे। बोतल ही दे दो ना, बोतल पी लोगी? सब थोड़ा थोड़ा खा रही, काहे पता है कि बचा बचा है खाना जो है। हम तो स्पीडली खा लिए। नहीं रोटी, मतलब नहीं रोटी मत मांगा। है माँ बर्बाद ना करना रे दैया। मुझे तो नहीं लगता कि किसी चीज़ की जरूरत होगी इसको, ध्यान देखने से नहीं लगता आपको कि कितना खाती होगी, आपको लगता है ना? अच्छा आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा कौन खाता हो? इको फ्रेंडली बोलिए, नहीं इको फ्रेंडली बोलिए, मतलब डरने की बात नहीं है, बताइए कि कौन खाता है। इधर आइए तो आप, इधर आइए ना, इधर आके बोलिए ना उसके साथ। कौन सबसे ज़्यादा कौन खाने वाला लगता है? अभी तक तो देखे नहीं, सब नॉर्मल में है अभी। नहीं आपको क्या लगता है, मतलब देखने से क्या लगता है, देखा देखने के बाद कौन ज़्यादा खाएगा? हेल्दी तो सबसे ज़्यादा। अरे शरीर देख के जज नहीं करना भैया, शरीर हम है खाते पीते घराने के लोग, ये लोग हैं मम्मी पापा का पैसा बचाती है, पैसा इसलिए बचाती है ना क्योंकि शादी कहीं और जाना है भाई, तो पैसा बचाना है ना। तो बताइए, हम तो खाते पीते रहते हैं, ठीक है ना, लेके जाना है इसलिए बचाती है। तो मेरे कहने का मतलब है ना कि आपको हमको छोड़ के बताइए तीनों में से कौन लग रहा है खाने वाले में, फिर बोलिएगा इसका देह है, ऐसा मत बोलिएगा इसका शरीर अच्छा है, रखिए रखिए। अरे पूछिए मत, रख दीजिए रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। अरे उसमें नहीं, इसमें रखिए ना, प्लेट बचाती है वो लोग, सोचती बर्तन भी उठाना करे, ऐसे लोग हैं। हाँ रख दीजिए। अब जब हमको बोली दे खाने वाले लोगों में से तो हमको नहीं दीजिए तो किसको दीजिए? आप जाते तुम पता लगा रहा। अरे मेरे हल्ला को भी तो पसंद करके तुम वीडियो देखने जाती हो, आज यही हल्ला सारा देखने के लिए तो वीडियो देखोगी, आप देखोगे ना? टोटली कंफ्यूज यू आर। कितना बार दैया दैया बोलोगे? पहचानती हो पहले? इधर है एक अचार है नरगोद, हम खा लेंगे, इधर है एक मारेंगे, दे देंगे, ऑनियन भी था। जा जा अच्छा जी लगता है ये भुक्कर को देखो कितना अच्छा लग, रिकॉर्ड करे क्या? नहीं। हां करे, कर ले, इसका नहीं आवाज का। ये भुक्कर को देखो कितना अच्छा रख के खा रही है, मतलब कितना अच्छा रखी हुई है। नहीं बताओ। दो भाई दो खाना दो। भुक्कड़ को अब ये शक हो गया कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो कैमरा पकड़ के रखी हुई है।
सोचो भाई, मतलब मेरी वॉइस सुन रहे हो ना, सुन लो बस, तो फेस में सीधा देखो, तो वीडियो आने दो ना फोन। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, अरे कैमरा दो ना भाई, अरे वीडियो हो रहा है, नहीं प्लीज तू दे दो ना, जी पर ही हो, नहीं खाने की जरूरत, दो ना, दो ना, दो ना, अरे दो सब, भाई ठीक है तो मैं दो ना भाई, नहीं करेंगे, अरे दो भाई, अरे दो ना, गुस्सा आएगा नहीं। बताओ, मतलब इतना बोलना पड़ा कि नहीं करेंगे तब मुझे कैमरा दिया, मतलब इतना चार खा रही है, बोल दिया तो मतलब कैमरा छीन लिया, बोलती कि नहीं देंगे, बताओ इतना मेहनत करने के बाद फिर कैमरा दी मुझे, इससे ज़्यादा बदमाश कोई हो सकता है, इससे ज़्यादा बदमाश बर्थडे गर्ल झूठ मूठ के बस बदमाशी करने के लिए आती है यहाँ, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा वो भी मुझे पता है, हो रहा है सारी बात भाई, इसको अभी तक ये नहीं पता भाई, थैंक फॉर GoPro। इसके आगे हम एक्सप्लोर नहीं किए थे क्योंकि मुझे खाना था, खाना मेरा लग चुका था, तो हम खाने चले गए थे, तो खाना बहुत ही टेस्टी था, मतलब मैंने भी ट्राई किया मंचूरियन और पनीर बटर मसाला, तो खाना बहुत टेस्टी था, आप देखे हैं पीछे, तो चलिए हम इसके आगे एक्सप्लोर करते हैं फिर भैया के साथ, मनीष भैया चलिए अंदर, और इसके अंदर का जो इन्वायरमेंट है ना बहुत अच्छा है, कैफे मतलब डिजाइन और लुक ये सब मतलब किस टाइप का, मतलब क्या क्या बताएंगे, मतलब ये किस कहाँ से कॉपी किया हुआ है या पूरा फ्रेश माइंड है या क्या क्या कहना चाहेंगे इस लुक के बारे में, मतलब यहाँ जो इस टाइप का दिख रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे, मतलब फ्रेश पूरा फ्रेश है, कॉपी नहीं कहीं का, कॉपी नहीं है कहीं भैया, एक बार साउंड बंद कीजिएगा, क्या कॉपी नहीं, मतलब हम लोग खुद से माइंड से क्रिएटिविटी से ही काम, मतलब अपने माइंड से जो भी माइंड में आया करते गए कर लिए, उसके मतलब ऐसे ही मतलब पूरे अच्छे ना, हाँ। बाहर का टोकरी जब तीज में गए निकले तो हम लोग बोला कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए तो कर लिए, वैसे मतलब जो मन में आया जैसे मन में आया वैसे करते चले गए, डेकोरेट करते चले गए, जितना अच्छा होते चले गए करते चले गए, और मतलब ये टेबल वेबल बहुत ही अच्छा, मतलब इन्वायरमेंट यहाँ, मतलब एक हॉल बोलेंगे इसको, और ये हॉल मतलब यहीं पे रेस्टोरेंट खत्म नहीं होता है, ये हॉल तो एक मतलब एक छोटा सा कहेंगे इसको, मैं एक छोटा सा झलक बोलूँगा, ये हॉल मतलब यहाँ पे रेस्टो खत्म नहीं होता है, हम चलते हैं फिर काउंटर के पास, चलिए भैया काउंटर के पास, और काउंटर के पास देखिए मतलब ये रेस्टो यहीं पे खत्म नहीं होता और यहाँ काउंटर पे भी खत्म नहीं होने वाला, ये रेस्टो मतलब इतना बड़ा इन्वायरमेंट, मतलब इतना बड़ा इन्वायरमेंट पूरे हाजीपुर में कहीं नहीं है, सबसे बड़ा इन्वायरमेंट हाजीपुर क्या मैं बोलता हूँ, पटना में भी नहीं है अभी तक तो नहीं है कि पूरा पटना में भी नहीं है इतना बड़ा इन्वायरमेंट। दूसरी बात काउंटर पे आने का तो हुक्का ट्राई कर सकते हैं, प्राइसिंग क्या है हुक्का की, 700 कोई भी मतलब ले सकते हैं, मतलब हुक्का लीजिए आराम से, और हुक्का लेके पीना कहाँ है, मतलब ये वाले हॉल में नहीं, किसी पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसमें नहीं पीना क्योंकि पब्लिक किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, और हुक्का लेके पीना कहाँ है वो भी मैं बताता हूँ कहाँ पीने चलना है, और मतलब ये रेस्टोरेंट यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, इसके आगे चलिए भैया, मतलब ये जो डेकोरेशन देख रहे हैं ना मतलब एक अलग ही लेवल की डेकोरेशन है, और इसके आगे जब आगे एंट्री करेंगे अभी तो थोड़ा सा इसका माहौल थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, चेंज क्यों किया गया आप ही बताएं थोड़ा सा, इनका एक्चुअली एक क्लाइंट है इनके जिनके 25th एनिवर्सरी है, जिसके लिए मतलब ये मतलब थोड़ा सा यहाँ का डेकोरेशन थोड़ा सा चेंज है मगर 50% चेंज है, तो अभी 50% मतलब जैसे कि ये पूरा में मतलब वो क्या बोलते हैं उसको बैठने वाले को पिन बैग, जो मतलब पूरे में पिन बैग लगे रहते थे, बीन मतलब बीन मतलब डस्टबिन होता है, बीन BEAN, अच्छा बीन बैग, बीन बैग जो मतलब पूरे में बीन बैग लगे रहते थे, तो जो बीन बैग अभी नहीं लगे हुए हैं क्योंकि अभी ये बुक्ड है, तो ऑलरेडी मतलब उसके हिसाब से डेकोरेट किया हुआ है, मतलब जिस तरीके का उनका सोच था उस टाइप से डेकोरेट किया हुआ है, नहीं तो ये मतलब बीन बैग में पहले मतलब ऐसा जो बीन बैग है ये पूरे में मतलब ऐसे ही लगा रहता था ना, पूरे में बीन बैग लगा हुआ रहता था और बीन बैग पर लोग बैठते थे आराम से, चलिए मैं बैठता हूँ, बैठे भैया इस पर आराम से बैठते हैं, एकदम आराम से मतलब एकदम बोले ना एकदम चैन की सांस ले सकते हैं, कुछ ऑर्डर करेंगे और सामने मतलब एक टेबल समझ लो इसको, और आप ये मत सोचना कि टेबल इतना गंदा क्यों, मतलब इस टाइप से क्यों रखा हुआ है, मतलब ये हाँ मतलब मेरा जहाँ तक मानना है ना कि ये अब क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे, मतलब ऐसा क्यों रखा हुआ है, ये रस्टिक पेंट किया हुआ है, क्यों करने के बाद इसको हम लोग स्क्रब करते हैं, मतलब जो हमारा पेपर होता है सैंड पेपर, वैसे हम लोगों ने इसको रब किया फिर दोबारा पेंट हुआ इसमें, नहीं मेरा तो जहाँ तक मानना है कि मतलब इस टाइप का टेबल इसलिए यहाँ लगाया हो गया होगा क्योंकि ये ऑलरेडी ये तो वाटरप्रूफ है, आप आराम से मतलब बारिश कभी होना तो बारिश का मजा लेने के लिए, मुझे जहाँ तक लगता है इस टेबल ये भी मतलब कुछ नहीं होगा इसको, इसमें मतलब वाटरप्रूफ पेंट है तो इसको भी कुछ नहीं होने वाला है, नॉर्मल टेबल रहेगा तो ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा बारिश में, और इस पे इसके हाइट से इसका हाइट मर्ज करना भी थोड़ा सा मतलब खाने में प्रॉब्लम क्योंकि मर्ज भी नहीं हो सकता था, और इसके हाइट के अकॉर्डिंग ये मतलब डेकोरेट किया हुआ है कि आप आराम से ऐसे मतलब बैठेंगे और इस पर खाने के लिए कुछ भी ऑर्डर करें तो आराम से मतलब
बाइट ले सकते हैं और खा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। और दूसरा मतलब इसका प्लस पॉइंट है कि बारिश के समय मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा कि मतलब आप आराम से यहाँ बैठेंगे, ये भी वाटरप्रूफ, बस आप एक चीज़ जरूरत होगी कैमरा लेके आना वाटरप्रूफ, फोटो खींचो, ये भी वाटरप्रूफ, ये भी वाटरप्रूफ, खाना रखो आराम से खाओ और बारिश का भी मजा लो, मतलब इस इन्वायरमेंट में से भी सोचा जाए, क्योंकि ये जो ऊपर का एरिया है ना, ये ऊपर पूरा खुला खुला सा एरिया है, मतलब एकदम ओपन एरिया है और इतना मस्त एरिया है ना कि आप एक शब्दों में नहीं बोल सकते कि हाँ ये ऐसा है, कुछ भी शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता, मतलब बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट इन्होंने क्रिएट किया है। और अभी जैसा कि देख सकते हैं, मैं इसी को घुमा के दिखाता हूँ, ये क्यों डेकोरेट हो रहा है भैया, अभी वही मैरिज यूनिवर्सिटी को लेकिन डेकोरेट हो रहा है, मतलब ये मैरिज यूनिवर्सिटी है इसलिए डेकोरेट हो रहा है, नहीं तो यहाँ पे क्या रहता है नॉर्मल डे में, यहाँ पे क्या रहता है मतलब ऐसे ही एक सेल्फी पॉइंट रहते हैं, कटिंग वगैरह कटिंग। हाँ मैंने अभी जो बोला उधर हुक्का, क्या बोला था उसको, हुक्का हुक्का ही नहीं था वो, हुक्का का एंजॉय आप बाहर वाले यहाँ वाले इन्वायरमेंट में ले सकते हैं, या फिर रूप भी है, मैं रूप भी दिखाता हूँ, वहाँ ले सकते हैं, सब लोगों के साथ बैठ के मतलब लोग भी परेशान होंगे, पब्लिक लोग बहुत सारे रहते हैं, तो वो वाले एरिया में नहीं ले सकते, यहाँ पे अपना हुक्का का आनंद ले सकते, क्योंकि अपना एयर जो होगा वेस्टेज एयर मतलब ऊपर की ओर नफले की ओर तो दिक्कतें नहीं होगी। चलिए भैया चलते आगे और फिर देखते हैं वो क्या है, वो क्या किस चीज़ के लिए, मॉकटेल बार, मतलब मॉकटेल उकटेल भी ट्राई करना चाहेंगे तो आराम से आप यहाँ आके मॉकटेल ट्राई कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा डेकोरेशन थोड़ा सा चेंज है, और मतलब मॉकटेल चेंज नहीं, मतलब मुझे लग रहा है ही, बट थोड़ा सा इधर का इन्वायरमेंट चेंज है इसलिए उधर चेंज थोड़ा सा दिख रहा है, और ये मॉकटेल वाला एरिया है, यहाँ पे आप मॉकटेल उकटेल आराम से ले सकते हैं। अब चलते ऊपर की तरफ, ऊपर स्टेप है, स्टेप चलते चलते ऊपर चलेंगे, फिर ऊपर का जो नज़ारा है ना और भी अच्छा दिखता है, और भी अच्छा एक मतलब बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट को दिखाता है, मतलब नेचर से अगर आपको प्यार है ना तो ऊपर भी तो आपको आना ही चाहिए। ऊपर का जो लुक है ना मतलब एक अच्छा ही इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है, और एक मतलब नेचर के लिए ना बहुत बेस्ट पॉइंट हो सकता है। और बताइए भैया ये मतलब ऊपर ओपन ही रहेगा या भी इसका कुछ लुक, इसका हम लोग एक अर्बन लुक लेके आने वाले हैं, थोड़ा सा और समय चाहिए हम लोग को, मतलब अभी समझ ले तो अंडर कंस्ट्रक्शन में ये चीज़, अंडर कंस्ट्रक्शन में अभी हम लोग का प्रोजेक्ट 70% डन है ओनली। अच्छा अभी मैंने जो दिखाया वो 70% डन ही है, हमारा फाउंटेन है वहाँ पे, एक फाउंटेन है, ये अर्बन लुक से ये और वो दोनों रूफ टॉप है, रूफ टॉप मतलब ये मतलब 70% 30% और इसमें वर्क करने आपके बाकी है, मतलब और भी चीज़ करेंगे इसके ऊपर ना, मतलब यहाँ पे भी आप आराम से आएंगे और आराम से बैठ के ऊपर मतलब एक रूफ के ऊपर आराम से बैठ, मतलब ये तो थोड़ा सा और लेयर वाला, सो के भी इंजॉय कर सकते हैं, सो के भी खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है, मतलब नो प्रॉब्लम, एकदम टेंशन मुक्त है भैया, बहुत ज़्यादा मतलब नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन उसे नहीं है, आराम से मतलब बैठ के खा सकते हैं, किसी किसी सकते हम लोग कैंडल लाइट डिनर वगैरह हम लोग जो हाँ कैंडल लाइट डिनर हाँ तो हम लोग कराते हैं यहाँ पे, जो भी न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं या फिर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल लो आप, तो वो हम लोग उन लोग को थोड़ा सा एक अलग सा देते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे है भी एक, हम लोगों ने अभी तक 2-3 किया है उसका वीडियो, रील्स वगैरह हम लोग डाले हुए हैं, मतलब कैंडल लाइट डिनर करवाते जो भी मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जो मतलब आप चाहते हैं सर, हाँ हमें बस 2-3 घंटे पहले इन्फॉर्म कर दे और हम लोग फिर उसका मतलब 3 आवर्स पहले इन्फॉर्म करेंगे आप, मतलब उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, हम लोग इन्फॉर्म करने के बाद हम लोग क्या होता है हम लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हाँ इनको इस तरीके का डेकोरेशन चाहिए सर्विस चाहिए उनके लिए, स्पेशल लड़का हम लोग लगाते ताकि वो लोग जो एक कंफर्टेबल होता है कंफर्टेबल जोन में रहे, जैसे मतलब चाहते हैं उस टाइप का एनवायरनमेंट देंगे, स्पेशली न्यूली मैरिड कपल्स जो होते हैं उनके लिए हम चाहते हैं कि हाजीपुर में थोड़ा सा वो लोग यहाँ आए, वो लोग हमको ऐसा मौका दे कि थोड़ा सा हम उनके लिए कुछ कर पाए और अच्छे से अच्छा मतलब उनको डेकोरेशंस वगैरह, उनको एक अलग माहौल, घर वालों से थोड़ा सा अलग माहौल आके उनको थोड़ा सा मिले। अच्छा मैं तो ऐसा मतलब कि न्यू वाले जो कपल्स होंगे उनके लिए मतलब एक सोच के रखा आपने, मतलब कि एक अच्छा सा माहौल दे उनको कि वो भी थोड़ा सा मतलब एक्साइटेड हो तो फिर लोगों को बताएं, मतलब इस टाइप का आपका सोच है ना। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, मिलते फिर कोई नेक्स्ट ब्लॉग में।